नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो सेकेंड ग्रेड का SST का रिजल्ट आया और उनका जो स्क्रूटनी फॉरम है वो स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको एक तो जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि शपथ पत्र किसको बनवाने हैं, ठीक है। हर एक स्टूडेंट को शपथ पत्र नहीं चाहिए, तो किन स्टूडेंट को शपथ पत्र चाहिए वो मैं क्लियर कर देता हूँ। दूसरी बात है कि ऑनलाइन आपको कुछ भी नहीं करना है अब, ठीक है। ऑनलाइन कोई किसी भी प्रकार का फॉर्म फिल नहीं होगा अब, सिर्फ ऑफलाइन जो फॉर्म आपका जो आपके रोल नंबर डालने से एक स्क्रूटनी फॉर्म और एक काउंसलिंग लेटर जो आएगा उनको क्या है आपको निकलवाना है, ठीक। और जो आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो लास्ट में जाकर आप देख लेना, जो लास्ट के 40 नंबर पेज है वहाँ से स्टार्ट होता है, जैसा कि कल मैंने वीडियो में बताया था, ठीक है। और एक आपका जो काउंसलिंग लेटर है जो 4 पेज का, वो आपको लीगल पेज पर निकलवाना है, जो A4 से थोड़े बड़े साइज के होते हैं, जो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, आपके जो भी शहर पास में सिटी है उसमें मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो फिर आपको उसको भी A4 पर निकलवा सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इस वीडियो में कवर कर लेते हैं कि शपथ पत्र किसको बनवाना है, ठीक। तो शपथ पत्र हर एक स्टूडेंट को नहीं बनाना, जो स्टूडेंट अविवाहित है, ठीक है। जो स्टूडेंट क्या है, अविवाहित है यानी कि अनमेरिड स्टूडेंट है, उनको किसी भी प्रकार का कोई भी शपथ पत्र नहीं चाहिए, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी शपथ पत्र नहीं चाहिए किन स्टूडेंट को, अविवाहित स्टूडेंट को। तो जो भी स्टूडेंट है अनमेरिड है उनको किसी भी प्रकार का शपथ पत्र नहीं चाहिए, ठीक है। जो विवाहित हैं, ठीक है, जो विवाहित स्टूडेंट है जिनकी शादी हो चुकी है, मेरिड स्टूडेंट हैं, उनको क्या है, संतान संबंधी और जो विवाह प्रमाण पत्र है, ठीक है, ये दो चाहिए आपको, ठीक। संतान संबंधी शपथ पत्र चाहिए और विवाह प्रमाण पत्र चाहिए। बाकी जो अविवाहित कैंडिडेट हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई शपथ पत्र नहीं चाहिए। एक बात और, ना ही धूम्रपान का चाहिए, ना कोई दहेज का चाहिए, ना किसी संतान वगैरह का चाहिए अविवाहित कैंडिडेट को। और विवाहित जो है, जो मेरिड कैंडिडेट हैं उनको संतान संबंधी चाहिए, और अनमेरिड कैंडिडेट को किसी भी प्रकार का नहीं चाहिए। रीट के जैसे यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि आप शपथ पत्र बनवा लो धूम्रपान का, संतान का, दहेज का, वो किसी भी प्रकार के शपथ पत्र नहीं चाहिए। दूसरी बात, कि आप बोलोगे कि आपको कैसे पता, तो मैं मैथ से क्या है, मैंने DV करवा रखा है, अभी जो है मेरा DV था 23 तारीख को, तो मैंने अभी क्या जस्ट DV करवाया, तो आपको मैं जो भी बता रहा हूँ एकदम सही और सटीक बता रहा हूँ। तो शपथ पत्र के नाम पर जो अनमेरिड कैंडिडेट है उनको किसी भी प्रकार का कोई शपथ पत्र नहीं बनाना, ना दहेज का बनाना, ना संतान का बनाना, ना कोई अदर बनाना। जो विवाहित कैंडिडेट है उनको जो है मेरिड कैंडिडेट को संतान संबंधी बनाना है और विवाह प्रमाण पत्र का जो है कॉपी फोटोकॉपी लगानी है। बाकी जो है एक बार और क्लियर कर देता हूँ, बाकी मान लो कि शपथ पत्र किस किस चीज़ में और लग सकता है, तो माना कि आपके क्या है कोई नाम में चेंज हो, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट है जैसे, कास्ट सर्टिफिकेट और मार्कशीट में अलग अलग नाम हो, चाहे आपका नाम अलग हो, चाहे मम्मी का नाम हो, चाहे पापा का नाम, ठीक है, इन तीनों में से किसी का नाम, दोनों में डिफरेंस है ना, तब आपको क्या एक शपथ पत्र बनवाना होगा कि ये मार्कशीट में ये नाम है, जाति प्रमाण पत्र में ये नाम है, ये दोनों एक ही है व्यक्ति है या फिर एक ही व्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं, इस हिसाब से एक शपथ पत्र आपको बनाना है। अगर नाम में या कास्ट सर्टिफिकेट या मार्कशीट में अलग अलग नाम है, चाहे आपका नाम हो, चाहे फादर नेम हो, चाहे मदर नेम हो, ठीक है, बाकी किसी प्रकार का कोई शपथ पत्र आपको नहीं बनवाना। और डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपको बता दिए, 10th की मार्कशीट एक नॉर्मल कैंडिडेट के, देखो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक, BA की जो है तीनों मार्कशीट, BA की जो है डिग्री, ठीक, और BED की डिग्री, BED की दोनों मार्कशीट और BED की डिग्री, और फिर जाति प्रमाण पत्र, और एक आता है मूल निवास। और इन देखो जो मार्कशीट है ना, जितनी भी आपकी डिग्री मार्कशीट है उनको दोनों तरफ से कॉपी निकलवा लेना, पीछे की साइड अगर कुछ लिखा हुआ है तो कॉपी निकलवा लेना। और एक जो चरित्र प्रमाण पत्र, और चरित्र प्रमाण पत्र आपको या तो जो लास्ट आपने जहाँ से रेगुलर पढ़ाई की है, जो लास्ट आपकी संस्था थी वहाँ से, या फिर आप क्या कर सकते हो, अपना जो दो जो फर्स्ट ग्रेड टीचर हैं उनसे अलग अलग साइन करवा के दो वो चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 डॉक्यूमेंट है एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, ठीक, मात्र 9 अगर वो अविवाहित है तो, ठीक, अनमेरिड स्टूडेंट है तो ये 9। अगर किसी के पास एम ए की हुई है तो एम ए की डिग्री और मार्कशीट हो जाएगी, बस ये हो जाएगी। बाकी ऐसा नहीं है कि आप RSCIT लगा दिया, आपने सब कुछ लगा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं करना, मेन ये। और जिसने भी 2.5 लाख से कम आई की है ना, 2.5 लाख से कम आई की थी फॉर्म फिल करते समय, उनको क्या है, आय प्रमाण पत्र लगाना है, आय प्रमाण पत्र। और अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र नहीं है और इस लफड़े से बचना चाहते हो, तो आपको 100 रुपये का एक्स्ट्रा पोस्टल ऑर्डर ले जाना है। 100 रुपये का एक्स्ट्रा पोस्टल ऑर्डर ले जाओ तो आपको क्या है, आय प्रमाण पत्र नहीं लगाना होगा। और 50 रुपये का तो आपको ले जाना ही है, वो तो क्या सबके लिए अनिवार्य है, चाहे किसी ने फॉर्म जिस जो भी मतलब DV कराने जाएगा, सबको 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर ले जाना, जो आपके डाकघर जो नज़दीकी डाकघर है वहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 2.5 लाख से कम आय की है और आपके पास आय प्रमाण पत्र नहीं है, तो ये 100 रुपये का अलग से भी ले जाना पड़ेगा, जिससे आपको फिर आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुल मिला के ये है कि शपथ पत्र किसी को भी नहीं चाहिए, ना तो धूम्रपान का, ना दहेज का, ना संतान का, किसी भी प्रकार का नहीं। तो धन्यवाद, बन रहे जीवा स्टडी के साथ।